धामपुर नगीना रोड पर NH-74 के चौड़ीकरण के चलते धामपुर तहसील प्रशासन की टीम मौके पर जमीन अधिग्रहित करने पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से जैसे ही मौके पर निर्माण ध्वस्त करा अपना कब्जा लेने का प्रयास किया तो जमीन के मालिकों ने हंगामा कर दिया और निर्माण कार्य में जुटी कंपनी PAC के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जमीन के मालिकों का आरोप है कि उन्हें एक्ट के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और मुआवजा दिए बिना ही प्रशासन उनकी जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हो गया है। जमीन के मालिकों का विरोध प्रदर्शन देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जमीन के मालिकों ने प्रशासन पर हठधर्मिता दिखाने का आरोप लगाया है। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। संजीव कुमार जैन, धामपुर। ये जो मामला है, क्या मामला है? ये मामला सरकारी गुंडागर्दी, जबरदस्ती हमारे जमीन पर कब्जा करा गया, हमें एक्ट के अनुसार कंपनसेशन नहीं बनाया गया। हमारी मांग है कि हमें एक्ट के अनुसार कंपनसेशन बनाया जाए, एक्ट के अनुसार दे दिया जाए। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है जी, जो बन गया वो बन गया, अब कुछ नहीं होने का इसमें। पहले 5 बार हमारा कंपनसेशन बनाया है उन्होंने, जबकि 1 बार के बाद दोबारा बना नहीं सकते, मगर संशोधन NHAI के दबाव में आके संशोधन किए गए, 5 बार बना, और अब कह रहे हैं कि साहब जो हो गया वो हो गया, आप 550-650 का मुआवजा लें तो ले लें, नहीं तो हम जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आज जबरदस्ती कब्जा इन्होंने कर लिया। हमारी मांग है एक्ट के अनुसार हमारा मुआवजा बनाया जाए। सेक्शन 26 2013 में एक्ट जो है इनका NHAI का, भूमि अधिग्रहण का, उसके अनुसार हमारा मुआवजा बनाया जाए। हम एक्ट से बाहर कुछ नहीं मांग रहे। जो गवर्नमेंट का वो है सेक्शन 26 एक्ट में है, उसके अनुसार हमारा मुआवजा बना दिया। तो कोई मांग नहीं। हम उसके बाद चाहे आर्बिट्रेशन में जाएं या कोर्ट में कहीं भी जाएं। SDM साहब ने कह दिया था हमारे ऊपर आदेश है, आप जमीन पर कब्जा करें, हम जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, आप अपील करें, कहीं भी अपील करें।